सभी को राम राम जी। सनातन धर्म की जय। बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर एक पंजाबी सिंगर जो कि काफी फेमस पंजाबी सिंगर है एपी डिलन, इनके कनाडा वाले घर के ऊपर जो है फायरिंग हुई है। जो वीडियो सामने आया है उसके अंदर सामने नजर आ रहा है कि एक बंदूकधार जो है वो इन एपी डिलन के घर के बाहर गेट के बाहर से फायरिंग कर रहा है और पीछे से कोई वीडियो भी बना रहा है। यानी कि खुलेआम एक मशहूर पंजाबी सिंगर एपी डिलन के कनाडा वाले घर के बाहर फायरिंग हो रही है और ये फायरिंग हुई है अभी कुछ देर पहले। और आप खुद देख सकते हैं कि कानून की कैसे धज्जियां उड़ रही है कनाडा के अंदर। कनाडा में कभी किस तरह के विजुअल सामने आते हैं, कभी कुछ। वहां पर ना पुलिस ना वहां की जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो कोई पूछने वाली नहीं है। और आप देखो एक पंजाबी हमारे फेमस सिंगर एपी डिलन के घर के बाहर जो है इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। और इस फायरिंग के बाद जो है एक खबर और सामने आई है जिसके अंदर ये पता चला है कि ये जो पूरी फायरिंग है इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गैंग द्वारा ली गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि डिलन जो है अपनी लिमिट में रहे। एपी डिलन काफी फेमस पंजाबी सिंगर हैं जो कि कई अपने गानों के जरिए जो है फेमस हुए हैं और पंजाबी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है एपी डिलन का। कनाडा वाले घर पर इनके जो है फायरिंग हुई है जो अभी की ये पूरी वारदात सामने आई है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है लेकिन आप देख सकते हैं कनाडा में एक बार फिर से धज्जियां उड़ी हैं, कानून की धज्जियां उड़ी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की। किस तरह से एक पंजाबी सिंगर के घर के बाहर खुलेआम एक बंदूकदार जाता है, वहां पर गोलियां चला देता है। देखते रहे जेके मीडिया। धन्यवाद। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।